नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज सफेदो और समाचार क्रांति 24। स्वागत करती हूं आप सबका और मैं अभी मौजूद हूं सफेदो के बीडीपीओ ब्लॉक में, बीडीपीओ ऑफिस में। और आज यहां पर सरपंचों के प्रधान व उप प्रधान का जो चुनाव है वो सर्वसहमति से संपन्न हो चुका है और सभी गाँव के जो सरपंच है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि ये जो सर्वसहमति है प्रधान और उप प्रधान के चुनाव के लिए, ये किस प्रकार से बनी, क्या इसमें किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आई। और जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहूंगी, जो प्रधान सरपंचों के वो गांव खरकड़ा से बने हैं नरवैर सिंह जी, और जो उप प्रधान है वो गांव सिंहपुरा से एक महिला बनी है जिनका नाम है उषा बराड़, तो राजबाला बराड़ जी। तो बात करते हैं जो सरपंच हमारे साथ अभी मौजूद हैं और गांव रामनगर जिसको छानिया भी कह देते हैं उस गांव से एक सरपंच है जो कि एक वोट से जीते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो बात करते हैं जो सरपंच हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार सिटी न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज बराड़, प्रतिनिधि सरपंच गांव सिंहपुरा। जैसा कि आज आप सबको पता है 12 जनवरी को यहां पे सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था। उसके लिए सभी ब्लॉक के पूरे सरपंच यहां इकट्ठे हुए थे, जिनमें सर्वसहमति से उप प्रधान और प्रधान को चुना गया है। उप प्रधान अध्यक्ष पद के लिए निर्वैर सिंह गाँव खरकड़ा से सरपंच, उनको उप अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। और उपाध्यक्ष पद के लिए राजबाला बराड़ गांव सिंहपुरा, उनको सर्वसम्मति से चुना गया है। सर, ये जो सर्वसहमति बनी, क्या इसमें किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आई, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं? ये पहले से तय कर चुके थे कि भी इलेक्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि ये संवैधानिक पद नहीं है और सर्वसम्मति ही इसका इलाज था। और पहले भी एक दो कैंडिडेट के नाम लिए गए थे, भाई राजन है, खड़े है, राकेश जी थे सरपंच, वो भी थे। ये इन पे इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग बनी नहीं। उसके बाद निर्वैर सिंह और गांव सिंहपुरा की सरपंच राजबाला के नाम सामने आए, उन दोनों में आपसी सहयोग से सहमति बन गई थी। निर्वैर सिंह को अध्यक्ष पद दे दिया गया था, उप अध्यक्ष पद के लिए राजबाला बराड़ को चुना गया। जी सर, नमस्कार जी। सिटी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं राजन सिंह, सरपंच गाँव डिडवाड़ा। और आज जो यहाँ पे एक ये सरपंच पद के अध्यक्ष के लिए और उपाध्यक्ष के लिए सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है, ब्लॉक के अंदर दो कैंडिडेटों के नाम सामने आए, जैसे हमारे नरवैर सिंह जी और बराड़ साहब, राजबाला बराड़ का। और जैसे एक इनकी आपस में सहमति बन गई और सहमति से नरवैर सिंह जी को अध्यक्ष पद और जो सेकंड कैंडिडेट थे उनको उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया। ये सर्वसम्मति से हो गया ताकि आपसी भाईचारा बना रहे, इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं आई है। जी, आप भी चुनाव के लिए मतलब लड़ने वाले थे? हाँ, दो कैंडिडेट थे हम, राकेश जी थे और मैं खुद, लेकिन सहमति आपस में नहीं हो पाई तो इन पे दोनों भाइयों पर इन पे छोड़ दिया, इन पे सहमति हो गई और सहमति से सर्वसम्मति। जी सर, जो लोगों की समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, उनको किस प्रकार से पूरा किया जाएगा? हाँ, जो पंचायतों की समस्याएं रहेंगी उनको अच्छे से जैसे भी इन्वॉल्व होकर निपटाया जाएगा, उसको अच्छे तरीके से निपटाया जाएगा। जो ये जुगलबंदी रहेगी किस प्रकार की होने वाली है भविष्य में? हाँ, भविष्य में साथ मिलके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष काम करेंगे और आने वाले टाइम में अगर ठीक ठाक चलता है तो बने रहेंगे, नहीं तो एक साल के लिए अभी तय किया गया है, एक साल के लिए पद बने रहेंगे। उसके बाद अगर मान ले प्रक्रिया अच्छे से नहीं चली, चेंज करने का भी प्रावधान है एक साल के बाद। ये सहमति हुई है कि जो अभी जो प्रधान और उप प्रधान चुने गए हैं ये सहमति से एक वर्ष के लिए चुने गए हैं। अगर उसके बाद इनकी कार्य प्रणाली सरपंचों को पसंद नहीं आती तो एक साल के बाद दोबारा चुनाव करा करके और प्रधान और उप प्रधान बदलने का प्रावधान रखा गया है। मीटिंग मैं सिटी टीवी का नमस्कार करता हूं। मैं वीरेंद्र सरपंच सरफाबाद से, इसमें अध्यक्ष पद के लिए निर्वैर सिंह खड़कड़ा और उपाध्यक्ष के लिए राजबाला सिंहपुरा मनोनीत की गई। नमस्कार जी, मैं प्रतिनिधि नरेंद्र सरपंच सर गांव रामनगर। सर, एक वोट से जीत गए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम देखो, अच्छे काम किए गांव में, गांव वालों ने देखे और दोबारा फिर सरपंच बना दिए, तो मैं यही कहना चाहूंगा गांव में अपना अच्छे काम करो और दोबारा फिर तीसरी बार फिर मौका मिलेगा। जी सर। और जी, बीडीपीओ यहाँ पे 45 गाँव के सरपंच इकट्ठे हुए और सबकी सहमति से
नरवैर सिंह जो खरकड़ा गांव के सरपंच हैं उनको प्रधान बना दिया गया है जी। और जो बाला राजबाला हैं, राजबाला ब्राड, उनको उपाध्यक्ष बना दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, सर्व समिति से चुनी गई। मैं सामाजिक कार्यकर्ता सफेदो, सबसे पहले तो सिटी न्यूज को बधाई देता हूँ यहाँ आने पर। और जो आज यहाँ सरपंच एसोसिएशन का निर्विरोध चुनाव हुआ, नरवैल खरकड़ा जी और राजबाला ब्राड जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि ये ब्लॉक के लिए अच्छे कार्य करेंगे ताकि आगे भी काम सुचारू रूप से चलता रहे जी। तो अध्यक्ष सरपंचों के लिए और उप प्रधान का जो चुनाव है वो निर्विरोध बिना किसी ऑब्जेक्शन के सर्व सहमति से 45 गांवों के जो सरपंच हैं वो बीडीपीओ ऑफिस सफेदों में इकट्ठा हुए और बिना किसी चुनाव के सर्व सहमति से उनको प्रधान और उप प्रधान बना दिया गया। प्रधान जो है वो खरकड़ा से नरवैर सिंह और उप प्रधान गांव सिंहपुरा से जो मनोज बराड़ हैं उनकी पत्नी राजबाला बराड़ को उप प्रधान बना दिया गया है। और बहुत ही शांतिपूर्वक ये जो चुनाव है ये संपन्न हो चुका है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, देखते रहें सिटी न्यूज सफेदों और समाचार क्रांति 24। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।